अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अल्लाह के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको सबको शादो आबाद रखे और रहमतों के साए में रखे। तो आज छुट्टी का दिन था तो गाड़ी को अंदर से साफ़ करने लगा हूँ, क्योंकि जिस दिन से गाड़ी ली है वो साफ़ नहीं की। साफ़ तो उन्होंने की हुई थी, लेकिन अपने हाथ की सफाई अपने हाथ की होती है, तो काफ़ी धूल थी पड़ी हुई, तो अभी साफ़ करने लगा हूँ। इसके बाद जाएंगे शॉपिंग के लिए, कुछ ईद के कपड़े देखने घर वालों ने, और उसके बाद मिट्टी लानी है, कुछ धनिया पौन वगैरह या पुदीना वगैरह जो है उसके बीज लगाने। तो टमाटर वगैरह तो काफ़ी बड़े हो गए हैं जो लगाए थे, तो अब हम सोच रहे हैं कि धनिया भी और पुदीना भी लगा दें, और मिर्चें अगर मिल गई उनके बीज मिल गए तो वो भी लगाएंगे इंशाल्लाह। तो वो जाएंगे थोड़ी देर में शॉपिंग के लिए, लेकिन उससे पहले सफाई, तो मैं सफाई करता हूँ और आपको मिलता हूँ जब हम बाहर जाने लगेंगे इंशाल्लाह। तो ये अभी सफाई का प्रोसेस जारी है, ऐसे करते हैं और ऊपर से कपड़ा मार देता हूँ, काफ़ी अच्छी साफ हो जाती है, स्मेल भी इसकी अच्छी आती है। जो गाड़ी की स्मेल है अंदर से, वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ी थी, वहाँ 2-3 महीने से गाड़ी खड़ी थी, इसकी वजह से मैंने भी कोई इतनी इस्तेमाल नहीं की, काम पे जाके खड़ी कर देता हूँ तो चलाता हूँ और थोड़ा सा ही होता है यहाँ से काम पे, काम से घर पे, तो इस वजह से गाड़ी इतनी चलती नहीं है, इस वजह से गाड़ी में स्मेल रहती है। विंडो भी नहीं खोलते क्योंकि गर्मी भी होती है, तो ऐसे खोल के जा भी नहीं सकते क्योंकि चोरी होने का ख़तरा है। मेरी आगे भी ये गाड़ी चोरी हो चुकी है जो पिछले साल हुई थी। तो अभी सफाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, अभी हम जाएंगे शॉपिंग के लिए, तो कपड़ों की शॉपिंग करनी है और फिर मिट्टी लानी है, उसके बाद हमने पुदीना भी लाना है। तो मिलते हैं अगले क्लिप में। वाले आए हुए थे, वो हो गई आइसक्रीम, तो मौसम तो ठंडा ही था लेकिन बच्चे आइसक्रीम खाने की ज़िद कर रहे थे, उनके लिए आइसक्रीम ली है, दो ये दो कप लिए हैं, तो अभी आइसक्रीम खाते हैं। शॉपिंग के लिए आए हैं बाहर, मिट्टी लेनी थी, धनिया वगैरह घर में लगाना, मिट्टी लेनी थी यहाँ से, तो मैं सोचा पानी के ये जो लगाए उन्होंने आर्टिफिशियल है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत प्यारे लग रहे हैं, आवाज़ भी ऐसे आवाज़ आती है उनसे। डिफरेंट डिज़ाइनों में है, लाइटिंग भी इसमें हुई है, इसमें भी
लेकिन हमारा गार्डन इतना बड़ा नहीं है कि उनमें या चाहिए रख सकें। तो कुछ सीड्स लेनी है, बीज लेंगे। तो बीज यहाँ पे लगे हुए हैं, अभी बीज लेंगे। मिट्टी के लिए वहाँ बाहर जाना पड़ेगा, बाहर से उठाएंगे और फूल देखेंगे, अगर कोई हुए लगे हुए तो वो भी इंशाल्लाह उठाएंगे। लेकिन पहले उठाते हैं बीज जो हमें चाहिए। दूसरा वाला पहले वाला डालने के बाद ये सॉइल को इसमें डाल के मिक्स करेंगे। इस वक्त हमारे पास सिर्फ दो ही गमले जो हमने लाए थे पहले पिछले हफ्ते, जब और बीज मिल जाएंगे तो फिर हमें बिस्मिल्लाह करके ये बीज जो है यहाँ पे ऐसे डाल के, मिट्टी तो मैंने उधर रख दी है लेकिन मेरा इरादा था मिट्टी इसके ऊपर और डालूँगा कि इसको ऊपर नीचे करने के बजाय इसी पे मिट्टी जो है और डाल के। फिर हाल में ये बहुत है, अब पहली दफ़ा लगा रहा हूँ तो इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है लेकिन इंशाल्लाह निकल आएगा। तो बाहर से काम ख़त्म करने के बाद हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, सोचा ग्रीन टी, और ये उस दिन मैं एशियन शॉप पे गया कुछ लेने के लिए सौदा, तो ये पापड़ पड़े हुए थे जो बचपन में हम खाते रहे पाकिस्तान में, तो सोचा कि इनको ले चलूँ, तो लाए थे उस दिन। तो आज मौसम भी अच्छा था तो ग्रीन टी के साथ अभी पापड़ खाने लगा हूँ, क्योंकि बचपन की कुछ यादें, हसीन यादें ऐसी होती हैं कि आप इनको बनाते थे, मूँगफली भी लाते थे, बहुत सी ऐसी चीज़ें लाते थे कि जुमेरात वाले दिन में हाल में वो फ़िल्म लगाते थे पाकिस्तान टीवी चैनल पे, पीटीवी पे, वो ऐसे वक्त पे लगाते थे जब बच्चे सो जाएं, तो हम ऐसी चीज़ें लाते थे कि खाते रहेंगे तो जागते भी रहेंगे, लेकिन फ़िल्म शुरू होने से पहले ही ये सब कुछ खा के तो हम साथ में सो भी जाते थे, सुबह उठते थे तो याद आती थी कि फ़िल्म के लिए लाए थे, फ़िल्म देखनी थी, तो कुछ वो यादें ताज़ा करने के लिए पापड़ लाएँ। तो अभी मैं पापड़ खाने लगा हूँ। तो ग्रीन टी पीने के बाद अभी शाम हो चुकी है, तो आज के वीडियो का इख्तिताम करते हैं यहीं पे। तो हमें याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।